चिकन हांडी, ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की है, हम अक्सर होटल्स में खाते हैं तो हमें बहुत मज़े की लगती है, तो ये बिल्कुल वैसे ही बनेगी। यहाँ पे हमारे पास चिकन है, चिकन जो है हमारे पास 1 kg बोनलेस है, इसको हमने छोटे साइज में काट लिया था। उसके बाद ना यहाँ पर हमारे पास टमाटर है, टमाटर को हमने तकरीबन 6 से 7 टमाटर लिए थे छोटे साइज के, जो कि हमने पानी में इनको पहले बॉईल किया, उनका छिलका उतार के इनको पीस लिया है हमने। यहाँ पे मेरे पास क्रीम है 1 कप, 1 कप क्रीम है जो कि होममेड है मेरी, तो आप लोग पैक वाली भी यूज़ कर सकते हैं, 1 कप है ये। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लहसुन, लहसुन जो है हमने एक छोटी ले ली थी लहसुन, उसके तकरीबन 7 से 8 उसके जवे थे, तो हमने उनको थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे हमारे पास है हरी मिर्च, हरी मिर्च जो थी हमने 3 बड़ी साइज़ की ले ली थी, इनको भी हमने कट कर लिया है। यहाँ पे अदरक है, अदरक 2 इंच की ली थी और उसे भी कट कर लिया है। ये हमारे पास तकरीबन 1 टीस्पून जो है काली मिर्चें हैं, ये कुटी हुई काली मिर्चें, आप पिसी हुई भी ले सकते हैं। ये हमारे पास भुना कुटा हुआ जीरा है, पहले आपने जीरे को भुन लेना है किसी भी सादे पैन में और फिर आपने उसको पीस लेना है। ये आपने थोड़ा सा ही इसको पीसना है, हमाम दस्ता जो होता है उसमें हमने इसको पीस लिया। ये तकरीबन 3 टीस्पून है, हल्दी हमारे पास 1 टीस्पून, नमक जो है 1 टेबलस्पून है, 1 टेबलस्पून नमक है यहाँ पर हमारे पास, और जो लाल मिर्चें हैं ये भी 1 टीस्पून जो है, छोटी चम्मच जो होती है 1 टीस्पून, और ये हमारे पास धनिया है, धनिया पिसा हुआ, धनिया हमने लेना है 2 टीस्पून। तो ये देखें ये छोंक का सामान है, ये 1/2 कप घी है, यहाँ पे हमने ये 2 टीस्पून जो है हम इसमें से बटर यूज़ करेंगे, और ये 7 से 8 जो हैं बेरियाँ मिर्चें हैं, ये छोंक का सामान है। तो जी देखें यहाँ पे हमने एक खुला आपने बर्तन ले लेना है, उसमें आपने 1/2 कप जो है यहाँ पे हमने तेल ले लिया है, उसके अंदर ये लहसुन का पेस्ट जाएगा, तेल गरम होना चाहिए आपका। और साथ ही ये 4 से 5 जो हैं ये बेरियाँ मिर्च आ जाएंगी, इनको आपने हल्का सा करना है, हल्का सा आपने इनको ब्राउन करना है। हाँ तो जी देखिए आंच जो है आपने दरमियानी रखनी है, 2 मिनट में ये देखें गोल्डन ब्राउन हो गया, इसमें मुर्गी चली जाएगी, जो बोनलेस हमारी मुर्गी थी 1 kg, ये मुर्गी आ गई इसके अंदर। साथ ही आपने इसके अंदर नमक ऐड कर देना है, अब इसको आप मिक्स कर लें। ये मुर्गी भी जो है अपना थोड़ा पानी छोड़ेगी, तो इसको भी आपने तकरीबन 1-2 मिनट लगेंगे मुर्गी। अब जो है ना आज आपने हाई कर लेनी है ताकि ये मुर्गी अपना पानी भी छोड़ देगी और ये थोड़ी जो है वो ब्राउन भी हो जाएगी। तो जी देखें ये हमने इसका सारा पानी जो मुर्गी छोड़ती है वो आपने तेज़ आंच पे इसका ख़त्म कर लेना है पानी। अब जो है इसमें हम आगे रेसिपी शुरू करते हैं। अब इसमें जो हमने ये टोमेटो की जो हमने ये प्यूरी बनाई थी टमाटर की, अब ये इसमें चली जाएगी। उसके साथ ही हम इसमें सारे मसाले भी ऐड करेंगे, काली मिर्चें, ये लाल मिर्चें आ गई, धनिया, हल्दी और जो ये भुना कुटा हुआ जीरा है आपने सारा नहीं डालना, मतलब आपने इसका 3/4 डाल देना, थोड़ा सा बस छोड़ देना जो हम एंड में डालेंगे इसमें। अब इसको आप इस मसाले को मिक्स कर लें। आंच जो है वो आपने तेज़ ही रखनी है क्योंकि ये बोनलेस चिकन है तो ये जल्दी से गल जाएगी। अब ये टमाटर के साथ इस मुर्गी को हमने भुनना है। हाँ तो जी देखें उसका जो हमने टमाटर प्यूरी डाली थी उसका भी पानी अब बिल्कुल खुश्क हो चुका है
और ये चिकन जो है काफ़ी हद तक डन हो चुकी है। अब आपने इस पे ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना क्योंकि ये बोनलेस चिकन है तो जल्दी से गल जाता है। अब ये जो मेरी क्रीम थी ये हम इसके अंदर डालेंगे, ऐड करेंगे, ये इसमें हम डालेंगे। ये आ गई इसके अंदर क्रीम। अब ये जो असल में इसके अंदर ये गलेगा, जो गोश्त है बिल्कुल डन हो जाएगा। ये सारी की सारी क्रीम आ गई, इसमें हम चम्मच चलाएंगे। आपने आहिस्ता से चलाना है, इसका कलर भी आप देखिएगा कितना अच्छा आएगा अब जब ये इसमें पकेगा। आंच जो है वो आपने मीडियम रखनी है, आहिस्ता नहीं करनी क्योंकि फिर मुर्गी जो है वो ज़्यादा गल जाएगी। हाँ तो भैया देखो यहाँ पर हम छोंक की तैयारी करेंगे। इसमें हमने हमारा देसी घी ले लिया है, देसी घी आपने लेना है ताकि उसमें रिच फ्लेवर आता है, और बटर, दोनों चीज़ें यहाँ पर मेल्ट हो जाएंगी देखें। अब इसमें साथ ही जो है तो बेलियाँ मिर्ची चली जाएंगी, आठ से दस बेलियाँ मिर्ची चली जाएंगी इसके अंदर। बेलियाँ मिर्ची इसको बहुत ही एक रिच सा फ्लेवर देती है मलबे का, और थोड़ी सी इसमें यहाँ पर हरी मिर्चें चली जाएंगी, थोड़ी सी अदरक चली जाएगी, बहुत ही ये रिच बनती है। और कड़ी है जो हमारा हांडी है इसकी जो ये शोरबा होता है बहुत ही रिच होता है, तो आपने भी इसमें क्रीम ही यूज़ करनी है। हाँ तो जी ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये जो इसकी ग्रेवी है ये गाढ़ी हो चुकी है, बिल्कुल थिक बन गई है ये। तो अब इसके अंदर ये जो हमारा बचा हुआ जो ज़ीरा था ये हम ऐड कर देंगे। ये बस बिल्कुल रेडी है, इसको बस आपने हल्का सा हल्के हाथ से मिक्स करना है। हाँ तो जी अब देखें, हम इसमें हम ये छोंक अपना ऐड कर देंगे, ये बिल्कुल ये तैयार हो गया था, ये भी सारा का सारा आ गया है इसके अंदर। हाँ तो जी भी बस आप देख सकते हैं इसको हमने डिश आउट कर लिया, ये बहुत ही क्रीमी और बहुत ही लजीज बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की हांडी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अल्लाह हाफिज़।